नमस्कार, न्यूज़क्लिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर चर्चा करेंगे कोविड-19 के बारे में और खास तौर से जो वैक्सीन की चर्चा हो रही है इस वक्त, जो सरकार इस वक्त वैक्सीन देने की प्लान बना रही है इसके बारे में। इसके लिए हमारे साथ है डॉक्टर सत्यजीत रथ, जो हमारे साथ कोविड-19 के बारे में बात करने के लिए हमेशा रहते हैं। सत्यजीत, इस वक्त वैक्सीन की बात तो जोर शोर से चल रही है दुनिया में, और लगता है कि काफी सारे देशों ने, मेरे ख्याल से 7 या 8 देशों ने फाइजर वैक्सीन को सम्मति दे दी। मॉडर्ना वैक्सीन की सम्मति अभी शायद होने वाली है। चीन की वैक्सीन की कुछ जगहों पे सम्मति मिल चुकी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, बहरेन मेरे ख्याल से। तो ये सब देखते हुए पहली बात ये पूछना चाहते हैं, ये क्या है, क्या इसमें कुछ ज्यादा तेजी से दी जा रही है, क्या इसमें छानबीन ठीक तरह से हो रही है, रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो किस तरह की है, रिगर क्या रही है इस प्रोसेस की, इसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। क्या हड़बड़ी हो रही है या सचमुच रिगर है इस तेजी से जो हम कर रहे हैं, सिर्फ क्योंकि एक एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, इसलिए इसके बारे में आपका क्या रुझान है, क्या आपका समझ है, जरा हमारे सामने रखें। बड़ा बड़ा अहम सवाल कर रहे हैं आप कबीर। तो शुरुआत यहां से करते हैं कि क्या टीकों का, वैक्सीन्स का जो निर्माण हो रहा है वो जरूरत से ज्यादा खतरा रखता है या नहीं, और इस सवाल का सीधा साफ जवाब ये है कि नहीं। पहली बात हमारे दर्शक अपनी सोच में ले लें कि ये जो तेज रफ्तार से वैक्सीन्स की का निर्माण हो रहा है, ये जो प्रक्रियाएं चली है पिछले चंद महीनों से वैक्सीन, कई वैक्सीन्स के निर्माण की, कई मैं जिसे जिन्हें उम्मीदवार टीके कहते आया हूँ, वैक्सीन कैंडिडेट्स कहते आया हूँ, उनके निर्माण की जो प्रक्रियाएं दुनिया भर में चल रही है वो आम लोगों का मानना है कि बड़ी तेज रफ्तार से हो रही है। लेकिन ये जो तेजी है ये वैक्सीन्स की सुरक्षा को लेकर जांच कम करने वाली तेजी नहीं है। किसी भी उदाहरण में वैक्सीन्स की सुरक्षा की जांच में कोई खोट छोड़ी गई नहीं है, बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं कि सेफ्टी जो है वैक्सीन की, फेज 1, फेज 2, फेज 3 की जो है, किस फेज पे दिखी जाती है ज्यादा? तो वहीं पे मैं आ रहा था, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कई जगहों से कि ये जो वैक्सीन्स हैं ये नए तकनीकों पर, नई टेक्नोलॉजीज पर आधारित हैं, जैसे कि mRNA टेक्नोलॉजी है, जैसे कि DNA टेक्नोलॉजी है, जैसे कि एडिनोवायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी है, ये अभी तक किसी भी टीके में इस्तेमाल नहीं की गई तकनीकें हैं। तो जाहिर है कि इनकी सुरक्षा को लेकर हमने सजग रहना चाहिए, और हम ये यूं कहा जा रहा है कि इस प्रक्रिया में जल्दबाजी बहुत हो रही है और सुरक्षा की जांच ठीक से नहीं हो रही। ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि दो स्तरों पर वैक्सीन की सुरक्षा की जांच होती है। पहले तो जब उम्मीदवार टीके का, वैक्सीन कैंडिडेट का निर्माण होता है तो पहले जानवरों में जांच होती है, और जब जानवरों में जांच होती है तो दो तरीकों की जांच होती है। एक तो क्या वैक्सीन प्रतिरक्षण निर्मिति करती है जानवर के शरीर में या नहीं, और दूसरा क्या जानवर के शरीर में वो कोई गलत परिणाम, दुष्परिणाम पैदा करती है या नहीं। ये इन सब उम्मीदवार टीकों के लिए वैसे ही किया गया है जैसे पहले से किया जा रहा है, नॉर्मल कोर्स में जो होता है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं दिया गया। इसके बाद में इंसानी जांच पर अपन आते हैं, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स पर आते हैं, और इसके 1, 2, 3
स्तर होते हैं। तो पहले स्तर में फेज वन में सिर्फ सुरक्षा की जांच की जाती है और सारी की सारी वैक्सीन कैंडिडेट्स में सुरक्षा की जांच की गई है और जो वैक्सीन कैंडिडेट्स आगे गई हैं जांच में परिणामकारकता की जांच में वो सारी फेज वन को पार कर गई है बिल्कुल वैसे जैसे पिछले कई दशकों में वैक्सीन लो बाकी दवाइयां लो उनके बारे में जांच करी गई की गई है तो उसमें कोई शॉर्टकट लिया नहीं गया। हाँ दूसरा स्तर जो है जहां पे उसकी इम्यूनोजेनिसिटी परखी जाती है यानी कि उसकी प्रतिरक्षा निर्माण की क्षमता नापी जाती है वो जमाने में पहला चरण पार होने के बाद दूसरे चरण को शुरुआत करते थे। पिछले महीनों में पहले चरण के जैसे ही नतीजे दिखने लगे कि सुरक्षित है वैसे ही तुरंत दूसरे चरण की शुरुआत की गई है लेकिन पहले चरण में कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया दूसरे चरण में कोई शॉर्टकट नहीं लिया गया। तो यहां तक कोई भी यूं नहीं है कि गड़बड़ी है जल्दबाजी में कोई निर्णय लिए गए हैं ऐसी कोई बात नहीं। कोई भी नई चीज जो होती है खतरे से खाली नहीं होती। तो जहां तक हम नाप सकते हैं वहां तक नापते हुए कदम दर कदम चलते हैं तो लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने जल्दबाजी की हुई है लेकिन कहां की हुई है। एक तो जाहिर है कि आज की तारीख में दुनिया भर में 250 रिसर्च ग्रुप्स जो हैं अलग अलग टीके बनाने में लगे हुए हैं। ये भी तो एक तरीके से गड़बड़ी की बात है लेकिन इस गड़बड़ी का हमने स्वागत करना चाहिए। इस गड़बड़ी को हमने सराहना चाहिए कि इतने सारे लोग ये देखते भी कि 2-4 टीके इस्तेमाल तक पहुंचे हैं फिर भी ये सोच समझ के कि कई टीके लगेंगे बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में लगेंगे आगे चल के कुछ अलग अलग लग सकेंगे शायद इसलिए इस अन्वेषण में इस रिसर्च में जुटे हुए हैं। ये भी एक तरीके से गड़बड़ी है और अच्छी गड़बड़ी अच्छी जल्दबाजी। तो दूसरी बात ये चीज रही है आप जो कह रहे हैं कि अनोखी चीज है कभी भी हमारे इतिहास में वैक्सीन के इतिहास में इतने सारे ग्रुप पैरेलल वैक्सीन बनाने की कोशिश कभी नहीं किया। 4-5 अगर करे ये भी बहुत बड़ी बात मानते हैं। जैसे फ्लू वैक्सीन है इस पे इस वक्त सक्सेसफुल टीका बनाने वाले कंपनियों की संख्या भी बहुत गिनती में आती है। तो एक पैंडेमिक की जो एक वातावरण रहा है इसमें विज्ञान को एक अलग तरीके से ऊर्जा मिली है कि बहुत सारे लोग इसको टीके बनाने लग गए और अब जो पहले भी हमारे साथ चर्चा में कहे हैं कि सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो है शायद इससे और भी बेहतर हो सकता है। फर्स्ट जनरेशन 50-60-70% हो जाए तो बहुत बड़ी बात है और अब देख रहे हैं कि जो सबसे वीक परफॉर्मिंग वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की वो भी 62% की 50 से ज्यादा ही हो चुका है और इसीलिए वैक्सीन्स की जो पॉजिटिव सिनारियो है उसको सराहने के जगह पर हम उसको नकारते क्योंकि ये सक्सेसफुल हो गया ये गलत होगा। पर आप तीसरे चरण की ट्रायल्स के बारे में कुछ कहना चाहते थे और खास तौर की जो रेगुलेटरी सिस्टम इस वक्त है वो भी काफी प्रेशर में है। अमेरिका में 3 लाख लोगों की मौत हुई है फाइनल अभी जो फिगर्स आ रहे हैं इस दौरान और नंबर्स तो जानते ही हैं कि काफी तेजी से बहुत जगहों पर पड़ रहे हैं। हिंदुस्तान भी बहुत अच्छा स्थिति में नहीं है तो वैक्सीन की जरूरत देखते हुए प्रेशर तो है रेगुलेटरी सिस्टम में। तो ये ट्रायल्स फेज 3 ट्रायल्स और जो रेगुलेटरी प्रोसेस है इसके बारे में जरा शेयर करेंगे क्या हो रहा है। सो पहली बात हम ये याद रखें कि तीसरे चरण की जो जांचें हैं फेज 3 ट्रायल्स जो हैं वो
सुरक्षित टीके को लेकर उसकी परिणामकारकता को नापती हैं, एफिकेसी, उसकी एफिकेसी को नापती हैं। तो उसमें जरूर ये मुद्दा भी है, ये सवाल भी है कि 6-8 महीने साल भर तक क्या कोई छुटपुट दुष्परिणाम नजर में आते हैं या नहीं, ये भी सवाल फेस 3 ट्रायल में मौजूद है। लेकिन फिर भी फेज 3 ट्रायल में आने वाली टीके फेज 1 और फेज 2 को पार करके आते हैं। तो फेज 3 में सारे जो टीके आए हैं आम तौर पे उनके नतीजे आने में 6 महीने साल भर लग जाए कम से कम। हमने 3-3, 4-4 महीने बाद जो शुरुआती नतीजे आए हैं जिनके आधार पर पहले हम रेगुलेटरी अप्रूवल और लाइसेंसिंग नहीं करते थे, तो वैसे शुरुआती नतीजे हम देख रहे हैं। उन शुरुआती नतीजों पर ये अनुमान बना रहे हैं कि क्या टीका परिणामकारक है या नहीं, और अगर टीका परिणामकारक दिखाई दे रहा है शुरुआती नतीजों में तो हम उसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की इजाजत दे रहे हैं। यहां पे हम पेंडेमिक की वैश्विक महामारी की महामारी का जो माहौल है उसको देखकर हम थोड़ी सी गड़बड़ी कर रहे हैं, और ये गड़बड़ी एक तरीके से जायज गड़बड़ी है, जायज जल्दबाजी है। इसमें क्या खामियां हैं? हैं, दो तरीकों की खामियां हैं। एक तो ये है कि हम पक्का नहीं जानते कि कितनी फीसदी उसकी परिणामकारकता है। आप जो कह रहे थे कि 60, 70, 80, 90, हम ये जानते हैं कि भली अच्छी खासी परिणामकारकता है, लेकिन एग्जैक्टली हाउ मच, इस सवाल का जवाब अभी तक हम ठीक से जान नहीं पाए हैं। और दूसरा, टीके से आने वाली सुरक्षा कितने दिनों तक चलेगी, रहेगी, इस सवाल का अभी तक हमारे पास जवाब नहीं है। लेकिन मैं दर्शकों को याद दिलाऊं कि इन दो सवालों के जो जवाब हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य की नीतियां बनाने के लिए जरूरी है। वो व्यक्ति को जरूरी नहीं है उनके उत्तर। व्यक्ति के लिए जो उत्तर जरूरी है कि क्या टीके सुरक्षित हैं? हाँ हैं। क्या टीके परिणामकारक हैं? हाँ हैं। तो व्यक्तियों ने जब टीके उन तक पहुंचे लेने में कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। आपका कहना है कि कितने बाद दूसरा टीका अगर जरूरी होता है, सेकेंड राउंड ऑफ वैक्सीन चाहिए या नहीं चाहिए, वो 6 महीना 1 साल की बात की भी डिसीजन हो सकती है। इस वक्त पैंडेमिक को रोकने के लिए, खुद को इन्फेक्शन को बचाने के लिए, कम से कम सीरियस इलनेस से बचाने के लिए आपको वैक्सीन इस वक्त जरूरी है। और अगर सब पे वैक्सीन काम ना भी करे, अगर समुदाय की 60-70% भी काम करे, तो इसका मतलब है कि पैंडेमिक काफी हद तक रुक जाएगा जी। और ये जो चीज है एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और किसी तरीके से ये रुकते नजर नहीं आ रहा है। जो लोग कह रहे थे हर्ड इम्यूनिटी फलाना ढमाका, साफ है कि चीन का अलावा और 1-2-4 दोषों के अलावा और किसी ने उस तरह की सामाजिक पार्टिसिपेशन के सहारे, कहिए रोकथाम लगाने के जरिए, कहिए जो भी कहिए, और किसी ने रोक नहीं पाया। इसीलिए वैक्सीन के अलावा दुनिया में और कोई चारा नजर नहीं आता नॉर्मलसी की तरह जाने के लिए। तो मैं तो ये तक कहूं कि वैक्सीन भी कोई जादू की छड़ी नहीं है। हम जो बार बार कहते आए हैं पिछले 6-8 महीनों से कि शारीरिक दूरीकरण को हमने जारी रखना चाहिए, किसी ना किसी तरीके का नकाब पहना हमने जारी रखना चाहिए, हाथ धोने की जो बात होती है वो भी जारी रखनी चाहिए, हमने सजग सचेत रहना चाहिए इन सब मामलों को लेकर। इनके साथ साथ जब टीका आए हम तक तब टीका लेना
ये भी इसी तरीके की सामाजिक जिम्मेदारी हमने माननी चाहिए, ना कि टीका हो गया बस हमने बाकी सब भूल जाना है। इस तरीके की जादुई इलाज की बात नहीं है टीका, वो और एक संसाधन है हमारे लिए महामारी पर काबू पाने के लिए, महामारी के साथ निपटने के लिए। लेकिन वो लेना, टीका लेना, इसमें व्यक्ति के लिए सुरक्षा की कोई भी हिचकिचाहट की बात नहीं है, ये हमने बार बार कहना चाहिए। क्योंकि जैसे टीके प्रत्यक्ष स्वरूप आने लगे हैं, वैसे ये बात बार बार माहौल में फैलने लगी है कि बड़ी जल्दबाजी से आए हैं, क्या सचमुच सुरक्षित है, क्या सचमुच असरदार है, तो इसलिए ये कहना बहुत जरूरी हो गया है। सत्यजीत, आपसे और एक बात हम पूछना चाहते थे कि एक चीज तो लोग भूल जाते हैं कि इतने बड़े पैमाने पे रोगी मिलना ट्रायल्स के लिए आसान काम नहीं है, और क्योंकि महामारी पूरे दुनिया में फैला हुआ है इसीलिए ये संभव हो रहा है। चीन के खास तौर से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, उन्होंने पहले टीके बनाना शुरू किए थे, पर उनके वहाँ महामारी खत्म हो जाने के लिए उनको पेशेंट्स नहीं मिला ट्रायल्स करने के लिए, उनको बाहर जाना पड़ा। पर ये जो चीज है कि इतने बड़े पैमाने पे क्योंकि पेशेंट्स है इसीलिए पैरेलल ट्रायल्स 40,000-60,000 लोगों को लेके जो हो रहा है, ये किसी और टीके में इतना जल्दी में संभव नहीं था। ये बोला का अगर देखे जिसमें बहुत तेजी से टीके बनाने की कोशिश की गई थी, ये बोला की नंबर्स कम है, खुदा खास्ता नंबर्स बढ़ना नहीं चाहिए, अच्छी बात है नंबर्स कम है, पर ये जो है पेशेंट्स देयरफॉर बट जिसमें ट्रायल्स कर सकते उनकी संख्या कम है। यहाँ पर तो बड़े पैमाने पे बहुत सारे मुल्कों में है, तो ये चीज जो है तो ये एक नेगेटिव चीज है, पर टीके के लिए एक पॉजिटिव निकलता है। दूसरी बात है कि लोग भूल जाते हैं सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों की बात होती है, इसके पीछे हर टीके के पीछे सरकारी धन रहा है। अगर आप ये फाइजर की बात करें, बायोएनटेक फाइजर की बात करें, तो फाइजर ने पैसा नहीं लिया, पर उसकी गारंटी थी कि 2 बिलियन के रकम उसको मिला था क्योंकि एडवांस बुकिंग अमेरिका ने की थी। और दूसरों के लिए एस्ट्राजेनेका के लिए हो, मॉडर्ना के लिए हो, अमेरिकी सरकार ने पैसा दिया है, चीन की सरकार अपने टीकों के लिए पैसा खर्च किया है, रशियन वैक्सीन के लिए खर्च किया है। तो ये जो चीजें है, एस्ट्राजेनेका के लिए इंग्लैंड की सरकार ने पैसा दिया है, तो ये जो टीकों के पीछे एक पब्लिक हेल्थ की फंडिंग रही है ये भी लोग भूल जाते हैं। इसको सिर्फ सोच रहे हैं कि बड़े पूंजी कर रहा है, सही बात है कि बड़े पूंजी पर शक होना इट्स नॉट एब्सर्ड क्योंकि बड़े पूंजी अपना मुनाफा देखती है, पर इस वक्त पब्लिक हेल्थ को देखते हैं, उनको फंड किया है, और ये दूसरी तरह की आवाज इस पर उठनी चाहिए कि ये पब्लिक हेल्थ पे जब इतना रिसर्च फंडिंग दिया है तो इट शुड बी यूज फॉर पब्लिक गुड, आम जनता की हित में इस्तेमाल होना चाहिए, सिर्फ प्राइवेट मुनाफा के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, ये सवाल उठनी चाहिए, न कि ये सवाल कि पूंजीपति कंपनी ये सब कर रही है तो उससे दूर ही रहना चाहिए, इससे तो कोविड ही अच्छा है। जो स्वर एंटी वैक्सर माहौल में से निकल रहा है, एंटी वैक्सर की हिंदुस्तान में हम नहीं जानते थे इनकी कोई ताकत है, पर अब छुटपुट ताकत दिखने लगा है, क्योंकि अमेरिका का कॉन्स्पिरेसी थियरी वो जानते हैं कि बड़े वायरस की तरफ फैलती है, तो यहाँ भी ये फैल रहा है। तो ये चीजें देखते हुए आपसे फिर मैं पूछूंगा कि आम जनता की क्या राय होनी चाहिए, तो आपने बता दिया, सरकार की इसके बारे में करने की क्या जरूरत है? तो दो चीजें कहूंगा मैं। एक तो अपने सामाजिक गुट की ओर से, मतलब के वैज्ञानिकों की ओर से कहूंगा कि 250 अन्वेषक गुट जो हैं टीके बनाने में लगे हुए दुनिया भर में, उनमें से 90% से ज्यादा सार्वजनिक संस्थानों में काम करने वाले गुट हैं। इनमें से कईयों ने
महामारी के शुरू होते होते अपने अपने संस्थानों में मुफ्त में निदान के लिए जो आरटीपीसीआर टेस्ट्स की जरूरत थी वो शुरू कराई है स्वयंसेवी स्तर पे, और उनमें से आम लोगों ने जो पहले ऐसी कोई बीमारी पर काम नहीं करते, एक सार्वजनिकता की सोच के लिए जनवादी सोच लेकर इस काम में शिरकत करी हुई है। तो उन्होंने जिन टीकों का निर्माण किया वो टीके अगर सरकारें सरकारी उद्योगों मार्फत बाजार में लेने के लिए क्षमता रखती तो वैज्ञानिकों को खुशी होती, ये भी हमने याद रखना चाहिए। तो जो सुरक्षा की जांच वैज्ञानिकों ने करी हुई है अपने स्तर पर, वो भी एक जनवादी सोच, एक लोगों की भलाई की सोच रख के की हुई है, ये भी याद रखना चाहिए। लेकिन सरकारों की ओर से एक दूसरी बात कहनी चाहिए, और वो ये है कि जब हमने एक पूंजीवादी नजरिए से महामारी का सामना करने की ठानी हुई है सरकारों ने, दुनिया भर की सरकारों ने, तो अगर जायज कीमत पे और सही तरीके से टीके लोगों तक पहुंचाने की बात है, तो जितने अलग अलग टीकों के निर्माता बाजार में आए, जितना टीकों का वैविध्य हो उतना सरकारों के लिए अच्छा है। तो सरकारों पे जिम्मेदारी है कि जहां तक हो सके अलग अलग टीका निर्माताओं को प्रोत्साहन दो, जैसे कि अपने देश में निर्माण हो रहे टीकों को प्रोत्साहन दो एक ओर से, और दूसरी ओर से टीकों के निर्माता जो हैं उनसे जब आप एग्रीमेंट्स करो तब उन एग्रीमेंट्स को उन निर्माताओं को कोई पेनल्टी क्लॉज वगैरह लेके मजबूर करो कि यूं ही मुनाफे ना बनाए, कम से कम टीकों की सप्लाई जैसी कमिटमेंट की हुई है उसी तरीके से जारी रखें। तो आपकी ये भी राय है जो परोक्ष रूप में आप कह रहे हैं कि बड़े कंपनियां अगर टीकों के लेके कालाबाजारी करते हैं तो उस पर सरकार की रोकथाम की जरूरत है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि यह चीज हमें ध्यान रखना चाहिए पब्लिक हेल्थ के नजरिए से कि हमारे यहाँ पर पब्लिक उद्योग होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर उद्योग होना चाहिए जो कि मोनोपोलीज पर एक तरह से एक नियंत्रण रख पाए कि और तरीके भी हमारे पास हो। अगर पूंजीवादी तरीके से नहीं होता, हमारे पब्लिक सेक्टर होगी जो ये चीज कर सकती है जो पहले थी। आप जानते ही आप उस पर शोध कर चुके हैं, आपके इंस्टीट्यूट का आरंभ था वैक्सीन्स का, जो कि बाद में स्पिन ऑफ कर दिया गया, शायद इस वक्त है कितना किस स्थिति में है अलग बात है, पर हमारे यहाँ प्लेग से शुरू हुआ था हिंदुस्तान में, प्लेग स्मॉल पॉक्स वगैरह वगैरह के टीके शुरू हुआ था हैफकिन इंस्टीट्यूट में, और ये एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध शोधक का जगह था और वैक्सीन बनाने का भी था। आज हम इसको आगे नहीं बढ़ाते क्योंकि इस पे चलेंगे तो और एक घंटा आधा घंटा लग जाएगा, पर अगले बार इसकी चर्चा जरूर करना चाहेंगे कि भारतवर्ष जैसे मुल्क को कि क्या करना चाहिए, इससे इस महामारी से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, और दुनिया के तौर पे पब्लिक हेल्थ वर्सेस प्राइवेट प्रॉफिट का जो इशू है महामारी को सामने रखते हुए हमारे पास क्या सबक हमारे पास है। धन्यवाद सचिन हमारे साथ होने के लिए, इस विस्तार से हमें इस चीजों को बताने के लिए। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, देख रहिएगा न्यूज क्लिक और हमारे साइट पर भी आइए। We'll be right back.